यकीन मानिए, जब हमारी अम्मी ये पुलाव बिरयानी बनाया करती थी तो हमारा पूरा घर खुशबू से महक जाया करता था। इसलिए सबसे पहले यखनी बनाना शुरू की। उसमें एक बड़ी प्याज, थोड़ा सा अदरक और दो चार लहसुन के टुकड़े डाले, नमक डाला है, सौंफ डाला है, धनिया डाला है, लाल कुटी मिर्च डाली है और 3 कप पानी डाला। गोश्त कम से कम 1 घंटे में गल गया। अब एक दूसरे पतीले में तेल लिया है, 2 प्याज तली है, आधी प्याज तल के निकाल ली है, अदरक लहसुन के 2 चम्मच डाले हैं, काली मिर्च, जीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हरी मिर्च कुटी हुई और गोश्त डाल दिया। गोश्त में 2 बड़े टमाटर डाले, नमक, 3 टेबलस्पून दही, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा अजीनोमोटो और फिर छान कर यखनी डाल दी। फौरन ही चावल भी डाल दिए, जायफल, जावित्री और फूले बादियान का पाउडर बना के डाला, नींबू डाला, पुदीना डाला, पानी बहुत अच्छी तरह खुश्क हो गया, तली हुई प्याज और 2 तरह के रंग डाल दिए, रेड एंड ऑरेंज, ढक के पकाया 15 मिनट हल्की आंच पर और ये देखिए मजेदार पुलाव तैयार है। फॉलो मी फॉर मोर रेसिपीज।